स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इस व्लॉग को स्टार्ट किया है मैंने शुक्रवार की शाम से। अब थोड़ा छुटपुट अंधेरा तो हो ही गया है, सो बस ट्रिप भी दोनों बच्चों के हुए और फिर कपड़े भी इतने धोने हुए हैं तो आंचल तो अपना वार्डरोब जो है वो खुद ही जचाती है और चिंकी के सारे कपड़े मैं ही रखती हूँ। तो ये बस इसलिए थोड़े ठीक दिख रहे हैं आपको कि मैं बीच बीच में आके इसके कपड़े ठीक करती रहती हूँ, अदरवाइज़ उसको कोई टी शर्ट भी निकालनी है तो वही है कि अलमारी पूरी ख़राब कर देता है। और साथ के साथ ही मैं सारे कपड़े तय बना के रख भी रही हूँ। अब ये इतने सारे कपड़े ये सिर्फ मेरे हैं क्योंकि मैंने भी पूरे 3 से 4 दिन इकट्ठे किए कपड़ों को कि बच्चे अभी हैं नहीं तो 3-4 दिन इकट्ठा करके और मैं अपने कपड़े एक बार में धो लूँगी। तो वॉशिंग मशीन का यही फ़ायदा है कि ज़रा सा सर्फ डालो तो काफ़ी सारे कपड़े धुल जाते हैं। तो ये बस इसके कपड़े मैंने लगाए हैं, आंचल के कपड़े मैंने रूम में उसको दे दिए हैं और ये ले गई मैं अपने रूम में, मैंने अपने वार्डरोब में कपड़े लगाए हैं। और ये चिंकी बाबू ही सो के उठा है और शाम हो रही है तो फिर झाड़ू वाड़ू मैं नहीं लगाती हूँ। वैसे भी बेड पे मैंने झाड़ू लगाना बहुत समय पहले ही बंद कर दिया था, तो जो बेडशीट वगैरह होती है या एक कपड़ा मैंने बना रखा है बेड झाड़ने के लिए तो उससे मैं झाड़ती हूँ। और बस ये क्लीन किया है मैंने और तब तक यहाँ पर छोटी लाइट जलाने का टाइम आ गया था कि तकरीबन 7:30 के करीब मैं छोटी लाइट जला ही देती हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है इस टाइम पे कलकत्ता में कि अभी मैंने कुछ इतना काम ज़्यादा किया नहीं है आज तो। मतलब मैंने अब इस टाइम पे कैमरा उठाया है, कोई शूटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सारा दिन मैं ऐसे ही लेटी रही, आराम करती रही, कोई काम नहीं मैंने किया आज ज़्यादा। बस वो बच्चे लोगों के लिए मैंने थोड़ा खाना बनाया है, रोटियाँ वगैरह भी सब बाद में आंचल ने ही बनाई है, मैंने नहीं बनाई, तो सब्जी वगैरह बना के छोड़ दी थी। बस कोई काम नहीं किया मगर पूरी भीग रही हूँ मैं। थोड़े बहुत जैसे कपड़े तय हो गए तो वो उठा के रखे हैं, बेड ठीक किया है, बस उसी में। गर्मी ऐसी हाई लेवल वाली फिर से 3 से 4 दिन से पड़ रही है, बीच में मौसम अच्छा हो गया था। अभी तो मुंह हाथ धो के नाइटी चेंज करने जा रही हूँ और उसके बाद में इलायची वगैरह रखी है उसका पाउडर करना है मुझे। बस थोड़ा थोड़ा सामान है जिसको भरना है डब्बे में बस। सो आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो मैं क्लीन एंड क्लियर का ही यूज़ करती हूँ और यही मुझे सूट करता है तो बस यही मैं लगाती हूँ। अब ये जो सबसे बड़ा वाला जो बॉटल आता है इसका, ये 200 रुपये तक का है और मैं अकेली इसको इस्तेमाल करती हूँ तो काफ़ी दिन चलता है। बच्चे लोग तो दूसरा दूसरा फेस वॉश यूज़ करते हैं। अब क्या है कि सस्ता या महंगा यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है, जो आपके स्किन को सूट करे बस उसी को आप अप्लाई कीजिए। तो ये मुझे सूट करता है। बस मुंह हाथ धो के मैंने नाइटी चेंज की थी और अभी बज रहे हैं रात के तकरीबन 11:30। मैंने कुछ अपना मोबाइल में थोड़ा बहुत काम किया उसके बाद में मैं यहाँ आ गई। ये पुरानी वाली इलायची है, ये थोड़ी इलायची मैं रखती हूँ खाने में जो कूट के डालती हूँ, तो इसको भी मैं साथ में ही ज़रा सेक लूँगी तो साथ में पाउडर भी बन जाएगा। और नई वाली इलायची थोड़ी सी मैं ये खाने में डालने के लिए रख रही हूँ और बाकी इलायची का मैं बना रही हूँ इलायची पाउडर। तो ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि इलायची को बाज़ार से ला के या फिर पुरानी हो गई है तो स्लो गैस पे अच्छी तरीके से उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए तो वो क्या है उसके अंदर एक कुरकुरापन आ जाता है, क्रिस्पी हो जाती है वो, तो उसका पाउडर बहुत अच्छा बनता है। और इलायची महंगी भी इतनी आती है तो उसको छील के उसका जो ये छिलका है उसको फेंकने वेंकने की कोई ज़रूरत नहीं होती है तो पूरा ही काम में आ जाता है। और इस तरीके से क्या है कि पीस के अगर डालो तो थोड़े से डालने से ही काफ़ी अच्छी खुशबू आती है उसमें। तो एक बार मैंने इसको थोड़ा सा चर्न किया है, अभी तो इसको काफ़ी पीसना बाकी है, तो इसी तरीके से मैं थोड़ा रोक रोक के
और थोड़ी देर तक इसको मैं पीस लेती हूँ तो बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में आ जाती है। ऐसा नहीं कि छिलका मुंह में आ रहा है या चाय बनाई तो चाय में छिलका मुंह में आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से पिस गया है। और इसके बाद एक बार मैंने चर्न और किया था, ये देखिए अब ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ गया है। तो इसको छान के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रखिए। और इतनी इलायची का पाउडर बहुत दिन चलता है। अब आप चाय बना लो या डेजर्ट बना लो तो बार बार कूट के पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं। और ये मैंने देखा था कि भाई इससे अच्छी तरीके से डब्बे में चला जाएगा, मुझे तो ये किसी काम का नहीं लगा, ये लिक्विड के लिए ही ठीक है। बाद में मैंने अपना ही फॉर्मूला आजमाया है और न्यूज़पेपर रखा है और इससे बहुत ही आसानी से डब्बा भर जाता है। सो दो बार में ये पूरा ही डब्बा भर गया था और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में बन गया ये, और काफ़ी दिन चलने वाला भी है। और इस मिक्सी जार में जो हल्का फुल्का लगा हुआ है इलायची, तो इसमें पीसूंगी सुबह के खाने के लिए मसाला, ताकि वो भी इस्तेमाल हो जाए। और इसके बाद मेरा सारा काम डन हो गया था। यहाँ थोड़ा मैंने पोछा लगाया है और फिर मैं चली गई थी सोने के लिए। सो अब मैं आपसे मिल रही हूँ शनिवार की सुबह। सो आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और नहाने जाने से पहले चिंकी को मैं यहाँ पर पूरा वेजीज वगैरह डाल के मैगी बना के दे करके गई थी। और फिर यहाँ मैंने साफ़ सफाई करके की है पूजा। और सैटरडे का दिन था तो खिचड़ी चोखा चटनी यही बनाया था, और शाम के लिए एक्स्ट्रा आलू बॉईल कर दिए थे, क्योंकि सैटरडे अगर आलू के पराठे ना बनाओ तो फिर चिंकी स्पेशली पूछता है कि माँ आज तो शनिवार था, आपने आलू के पराठे नहीं बनाए। तो इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा ही आलू बॉईल करके रख देती हूँ कि चलो ये इनकी पसंद का ही मैं बना दूँगी। यहाँ पूरे ही घर में मैंने किया है गंगा जल का छिड़काव, और उसके बाद में फिर मैंने सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाया है। तो ये करी पत्ता का पौधा है तो मैं इसी में ही जल चढ़ाती हूँ सूर्य नारायण भगवान को। अब जैसे कि छत पर कई लोग चढ़ाते हैं, जैसे ज़मीन पर खड़े होकर चढ़ाते हैं, तो वो पैर में जो छींटे लगते हैं ना पानी के, जो जल चढ़ाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो किसी भी प्लांट में आप चढ़ा दीजिए तो सही रहता है। और उसके बाद यहाँ मैंने कर ली थी आरती। और मैं आपको अपना तरीका बताऊंगी कि अब त्यौहार आने से पहले मेरा क्या तरीका रहता है घर को साफ़ सफाई करने का। तो मेरे तरीके से अगर मेरे साथ आप करेंगे तो आपको टाइम ही टाइम रहेगा त्यौहार में, जल्दीबाजी हड़बड़ी में कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा खाना बन गया था और ये मेरा ही खाना है, मैं लेकर के बैठी हूँ खिचड़ी चोखा चटनी, और ये बड़े बाज़ार से जो पापड़ मैं लेकर के आई थी, तो इसको ड्राई रोस्ट जो बोलते हैं ना ओवन में, बस वो किया है, ज़रा सा भी ऑयल नहीं लगाया है। बस खाना खा के आधा घंटा मैं बैठी थी, मेरे हाउस हेल्पर का इंतज़ार कर रही थी मैं, बस वो आई है। उसके बाद ये जो सोफ़ा कम बेड है इसको मैंने खोला है, सारा सामान निकाला है और बहुत अच्छे से पहले झाड़ू लगाया है, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछा है। अब ये पूरा लकड़ी का है, और प्लाई हो या लकड़ी हो उसके गीले कपड़े से उसको पोंछिए मत, क्योंकि ये पोंछने के बाद सामान लगा के फिर उसको बंद कर देना है, तो इस वजह से गीला तो यूज़ ही मत कीजिए लकड़ी में, इसी वजह से वो कीड़े वीड़े जो होते हैं ना लकड़ी वाले वो हो जाते हैं। तो ये पोर्शन हो गया था। उसके बाद चिंकी वाला ये पलंग खोला है हम लोगों ने, और शिफ्ट हुए मुझे अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 5-6 महीने ही हुए हैं, तो गंदा ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, बट क्लीन तो करना है। अब दीपावली जैसा जो त्यौहार है, तो दीपावली का मतलब है कि डीप क्लीनिंग। तो अगर एट अ टाइम डीप क्लीनिंग करने बैठेंगे सप्ताह 5 दिन पहले, तो फिर मतलब अपने लिए कुछ भी समय नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि अभी देखिए, आप ही देख लीजिए कि अभी गणपति पूजा चली गई है और नवरात्रे आने वाले हैं और उसके बाद ही फिर दीपावली है। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में सारा बर्डन ले लो और साफ़ सफाई कर लो। कम से कम सोफ़ा कम बेड और तीनों बेड को खोल के पोंछा पाछी करके, और एक्स्ट्रा में मैंने ये दवाई डाली है, मैंने आपके साथ में दवाई शेयर की थी जो मेरे बाथरूम में कैबिनेट में दीमक लग गई थी, तो उस दवाई को मैंने पूरे चारों तरफ स्प्रे करवाया है सेफ साइड के। लकड़ी ही है, जब एक जगह मुझे दिख गया है तो पता नहीं कहाँ कहाँ होगा, बट ईश्वर की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैंने सेफ साइड सारे पलंग में और सोफ़ा कम बेड के अंदर में भी वो दवाई का स्प्रे करवाया मैंने, तो वो वाला रूम तो हो गया। उसके बाद में मैं अपने वाले रूम में आई हूँ, पलंग खोला है, सबसे ज़्यादा सामान इसी में ही है। अब इसमें क्या है कि
रजाई है, कंबल है, सब कुछ है। तो जैसे ओढ़ने का टाइम आएगा उससे 10-15 दिन पहले से मैं धूप में डालना शुरू करती हूँ इनको। तो अगर आप मेरे साथ, मेरे हिसाब से अगर आप साफ़ सफाई करते चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कितना समय मिला है। अब आप देख लीजिए कि दीपावली में कितना समय है। ये देखिए, मैं स्प्रे करवा रही हूँ, यहाँ पूरा क्लीन हो चुका है और एक एक जगह में मैंने स्प्रे करवाया है और सारा सामान खोल के, पोंछ के, झड़ा के फिर से लगाया है। तो ये एक बहुत बड़ी साफ़ सफाई हो गई। अब लॉफ्ट वगैरह रह गए हैं काफ़ी, अभी भी बहुत कुछ रह गया साफ़ सफाई के लिए। तो एक एक दिन अगर ऐसा बांध के चलेंगे कि आज पलंग कर लिया, अब 2-4 दिन का गैप कर लीजिए, फिर सारे लॉफ्ट कर लिए आपने और किचन के जो कैबिनेट हैं ऊपर वाला लॉफ्ट, एक दिन वो कर लिया, एक दिन बालकनी कर ली, तो ऐसा क्या है कि दीपावली आ जाएगी, आपको अपने लिए टाइम ही टाइम है। आराम से बाजार हाट कीजिए, मस्ती से त्यौहार मनाइए। तो ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है बिल्कुल। यहाँ पर भी पूरी क्लीनिंग हो गई थी, पोंछ पाँछ के सारा सामान रख दिया है और ये मैं करवा रही हूँ स्प्रे। बस उसके बाद में अभी शाम हो नहीं पाई थी तो मैं बैठी हूँ अपना, मेरी एक नाइटी और एक जो मैं पैंट पहनती हूँ वाइट कलर का, तो वो थोड़ा उसकी सिलाई खुल गई थी, तो बस इस टाइम पे बैठ के मैंने इनको सिलाई किया है। और मैं एक एक कपड़ा जैसे इकट्ठा करती जाती हूँ, मैं देख लेती हूँ कहीं से किसी की सिलाई निकली है तो अलमारी में एक जगह उसको मैं 4-5 कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ, फिर एक दिन बैठ के उसको भी मैं बढ़िया तरीके से सिलाई करके और सब कुछ तह बना के रखती हूँ। तो मैं अपना काम जो है वो पूरा सिस्टम के और टाइम के हिसाब से ही करती हूँ, जिससे मेरे पास टाइम ही टाइम रहता है। काम देखिए कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। घर गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, घर है, तो काम हमेशा रहेगा, जब तक जिंदा हैं तब तक रहेगा। तो इतना स्ट्रेस लेके काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके लिए कैसे कन्वीनियंट है, किसी को देख के आप काम मत कीजिए, अरे भाई उसका हो गया अभी तक मेरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कीजिए, आपको कैसे सही पड़ता है। तो बस मैं तो अपने हिसाब से इसी तरह काम करती आई हूँ और जिससे मुझे खुद को, मेरे लिए थोड़ा टाइम मिलता है। और यहाँ मैंने तैयारी कर ली थी डिनर की और हाउस हेल्पर भी उसके बाद सारी साफ़ सफाई करके चली गई थी। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।